सब जो भी स्टेज पे बैठे हैं हमारे लिए दुआ करना, अपनी दुआ में याद करना, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब रोजे मुबारक पर जाएं तो हमारा सवाब मिलेगा। आज इतना अच्छा ये प्रोग्राम हुआ है, मैं इब्राहिम भाईजान को मुबारकबाद देता हूँ कि इब्राहिम भाईजान ने हर साल के जैसे आज भी इतना अच्छा प्रोग्राम किया, इतना अच्छा इंतज़ाम किया, और मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सऊदी गवर्नमेंट का कि उन्होंने हिंदुस्तान के हज के वीज़े बढ़ाए। आई वॉन्ट टू थैंक दी सऊदी गवर्नमेंट फॉर इंक्रीजिंग दी हज कोटा ऑफ इंडिया, एंड इंशाल्लाह वी प्रे टू गॉड दैट नेक्स्ट ईयर यू विल गिव अस नो कोटा बिकॉज ऑफ योर गुडनेस, मोर इंडियंस कैन गो फॉर हज, एंड इंशाल्लाह इस मौके पर मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि आप हज पर जा रहे हैं, अल्लाह ने आपको कबूल फरमाया है, इसकी इज्जत रखिए और अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए और अपना ख्याल रखिए हज में, क्योंकि आप पहली मरतबा जा रहे हैं तो इसलिए ख्याल रखिए अपना, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और लम्हा लम्हा उस बारगाह में जहाँ की आपकी हर हरकत पर अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं और लाखों का सवाब देते हैं, तो लम्हा लम्हा इबादत में गुजारिए। जब आप लम्हा लम्हा इबादत में गुजारेंगे तो इंशाल्लाह आपको दुनिया की किसी और तकलीफ का है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं जनाब महाराष्ट्र हज कमेटी के चेयरमैन मैं राशिद भाई से गुजारिश करूंगा कि वो मेंबर महाराष्ट्र कमेटी के राशिद भाई से गुजारिश करूंगा कि वो आपसे रूबरू हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा सऊदी अरब काउंसिल का इतने मौके पर वहाँ पर सब प्रोत्साहित किया और भाई जान का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा, इतने बड़े प्रोग्राम को आप हेज किए और हम लोगों को इन्वाइट किए और सी ओ साहब का भी बहुत शुक्रिया। अब भाभी साहब को मैं पहले सलाम पेश करूँगा कि आप हज पे जा रहे हैं, अल्लाह ने आपको बुलाया, अल्लाह के घर में आप जा रहे हैं, तकलीफों को एकदम भूल जाओ, अल्लाह बुलाया है तो अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा, अल्लाह हर काम आपका पूरा करेगा इंशाअल्लाह, और आप बेखौफ खुशी खुशी जाएँ और अपने हर काम को मीना कारकान हो और अफातकारकान हो बदरफा कारकान हो, 5 दिन के हज के बाद बाकी सब आराम ही आराम है और वो 5 दिन तैयारी करके जाएंगे और भाई ट्रेनर आपके ट्रेनर सब बताए वो हिसाब से आप मकसूद हो कबूल हो, मेरी दुआएँ हैं आपसे, मैं भी जाके आया हूँ इसी दवा को तकलीफ नहीं, बड़े आराम से आप काम करेंगे इंशाल्लाह। तो अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पर दावत दूँगा मुस्तफ़ी मुफी साहब जो एडिटर है हुदा टाइम्स के, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ पर आए और अपने ख्याल अकीदत पेश करें, हाजियों को मुबारकबाद पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं हाजी इब्राहिम भाईजान को मुबारकबाद पेश करूँगा मैं कि उन्होंने खिदमत खल्क के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया है, और हदीस में भी आता है, उलमा से सुना भी है कि रोज़ा नमाज नफिल ये सारी इबादत से तो जन्नत मिलती है लेकिन खल्क खुदा के खिलकत की खिदमत से अल्लाह मिलता है, ये बहुत बड़ी नेमत है, ये बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह उनको और इस्तकामत दे, कामयाब करे। और उसके बाद सारे हाजियों से हमारी इल्तिजा है कि बहुत खुशनसीब वो लोग हैं आप लोग जिसको अल्लाह ने अपने घर बुलाने का फैसला किया है। कोई भी आदमी अगर किसी को पसंद नहीं करता तो अपने घर पे नहीं बुलाता, जिसको चाहता है उसको अपने घर पे मेहमान बुलाता है। तो इतने बड़े घर में आप जा रहे हैं तो आजकल के हालात हैं, प्लेन है, मौलिन है, एयरपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट है, वहाँ सब जाने के लिए मैं वहाँ 26 साल रह चुका हूँ मक्का मुकरमा में, तो हमको बड़ा तजर्बा है, और हजों की खिदमत भी हमने बहुत ज़माने तक की है अल्लाह की फजल से,
तो ये सारी मुश्किलात जो आते हैं, कभी पुलिस की, कभी ट्रांसपोर्ट की, तो उसमें आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी शहादत हासिल करने जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत तकलीफ जो है बर्दाश्त करनी पड़ती है, और वो तकलीफ बर्दाश्त करने में आपको मरने के बाद पता चलेगा कि कितना बड़ा उसका अजर मिलता है। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और जा करके वहाँ अपने लिए भी, अपने खानदान वालों के लिए भी, और हज कमेटी के सारे मेहमान के लिए भी, और पूरे हिंदुस्तान के लिए भी, और पूरे आलम के लिए भी, ताकि अमन सुकून और चैन आ जाए। जो अफरा तफरी का माहौल है, अल्लाह इसको अमन और शांति में बदल दे। बहुत बहुत मुबारकबाद हाजी भाई को भी, सीओ साहब का भी, और हमारे शेख जफर कदी साहब को भी, जो इन्होंने अपने वक्त निकाल कर गया है। बहुत बहुत मुबारकबाद कृष्णा को शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे लिए भी दुआ, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह में भी इस्तकामत है, और सबको नसीब हर नसीब करे, और सारे आलम के लिए दुआ फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तकीम साहब। अब हम जो मेहमान खुसूसी यहाँ स्टेज पर आए हैं, इन सब लोगों का इस्तकबाल हम लोग करने जा रहे हैं, स्वागत वेलकम करने जा रहे हैं। मैं भाईजान से गुजारिश करूँगा कि वो ये जनरल काउंसिल है सऊदी अरब के, इनका इस्तकबाल यहाँ पर भाईजान यहाँ करने जा रहे हैं। मैं ऑल इंडिया हज कमेटी की जानिब से उनका इस्तकबाल यहाँ पर हो रहा है, मैं भाईजान से गुजारिश करूँगा कि वो उनका इस्तकबाल यहाँ पर करें। मैं जो लोग फोटोग्राफर्स हैं, खास करके हमारे कुछ भाई मोबाइल में जो ले रहे हैं, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो ऑल इंडिया हज कमेटी के सीईओ मोहतरम अली जनाब के बेखान साहब, इनका इसके बाद जो इस्तकबाल यहाँ पर होने जा रहा है वो मोहतरम अली जनाब इनायत कुरैशी साहब का इस्तकबाल होने जा रहा है। इस्तकबाल कर रहे हैं, उनसे गुजारिश करूंगा उसे वो कबूल फरमाए। इसके बाद जो हम इस्तकबाल करने जा रहे हैं, दाऊद साहब जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है एमपी के, उनका इस्तकबाल हम यहाँ करने जा रहे हैं। दाऊद साहब के बाद हम जो इस्तकबाल करने जा रहे हैं, हमारे अजीज दोस्त तारिक फारूकी साहब, इनका यहाँ पर इस्तकबाल होने जा रहा है। इसके बाद एडिटर खुदा टाइम्स के मुस्तकीम मकी साहब का इस्तकबाल होने जा रहा है। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा फजल सिद्दीकी साहब से, ट्रॉफी लेकर आओ। Yes sir.
मेरा बॉम्बे मिस्टर महाडेश्वर यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। उनका रियाल अपने पास रखें, किसी को दे नहीं बल्कि छुपा के रखें। अगर वो गुम गया तो खो जाने की सूरत में सऊदी अरब में आपको दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, लिहाजा ख्याल रखें। नंबर 4, हज कमेटी से कम अज कम 2 दिन कब्ल अपने पासपोर्ट, टिकट, वीजा, आई कार्ड और दीगर लाजमी जगह यहाँ पर दी गई है और सारी कुर्सियों पे जो मेहमान खुशी आने वाले हैं उनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। असल भाई, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कृपा शंकर जी की ट्रॉफी, शॉल, टोपी और फूलों का गुलदस्ता लेकर भाईजान से मैं गुजारिश करूँगा वो कृपा शंकर जी का यहाँ पर इस्तेमाल करें प्लीज। सारे मेहमान हमारे यहाँ पर तकरीबन, मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँ इब्राहिम भाईजान साहब को, मुंबई के प्रथम नागरिक और महापौर सम्मानी प्रोफेसर मिश्रा महाडेश्वर जी हैं, हज कमेटी के चेयरमैन हैं, माइनॉरिटी के चेयरमैन हैं और हज कमेटी के सभी सदस्य हैं। हमेशा की तरह इस बार भी हज यात्री विश्वनाथ महाडेश्वर जी, इब्राहिम रूबी साहब यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, उनका इस्तकबाल यहाँ पर जाम कर रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा उसे वो कबूल फरमाएं प्लीज। हमारे सभी मौजूद मेहमान, आज बहुत बड़ा दिन है कि हम सब लोग आपसे दुआएं ले रहे हैं, आपको अल्लाह पाक के घर जाने के लिए विदाई दे रहे हैं। कोशिश करते हैं कि यहाँ खास करके महाराष्ट्र के जो हाजी उमजा इकराम जाते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सहूलत फराहम की जा सके, उनकी ज्यादा से ज्यादा खिदमत की जा सके। मैं इब्राहिम भाई आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, सभी की तरफ से, सभी हाजियों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप जिस तरह से कोशिश करते हैं इसका अजर आपको अल्लाह ताला यहाँ भी देगा, वहाँ भी देगा और हुजाज इकराम की दुआएं भी आपको मिलेगी। अभी इसके बाद आज का जो एक आखिरी इस्तकबाल जो है नसीम भाई के हाथ से होने जा रहा है, सुचिता छेत्री मैडम जो हमारी हेड है टर्मिनल मैनेजमेंट की, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पर आए। छेत्री मैडम प्लीज, आपका इस्तकबाल यहाँ पर होने जा रहा है। वो
ऊपर है उनकी जानिब से यहाँ पर हमारे जो बलबीर सिंह जो है बाडिया साहब को यहाँ पर इस्तकबाल ले रहे हैं उनका। और जो लोगों ने पासपोर्ट अभी ले चुके हैं अपने सामान की ट्रॉली लेकर आपको जाना है। खबर नंबर वाइज ट्रॉली लगी है स्टेज के दाहिनी बाजू जो एंट्रेंस है वहाँ पर सिर्फ हाजी लोग आए और रिश्तेदार लोग और दूसरे अहबाब वो लेफ्ट साइड में हो जाए। हाजी साहब आपको फ्री स्टेज दे और यहाँ के मुसलमानों की तादाद को देखते हुए इस साल हज का कोटा उन्होंने बढ़ाया है, उनको भी हम मुबारकबाद देना चाहेंगे। हाजी इब्राहिम भाईजान ने जो है वो जीएसटी हटाने की भी मांग रखी हुई है। बिल्कुल, इब्राहिम भाई बहुत अच्छा काम करते हैं हज कमेटी के जरिए। पिछले कई सालों से लगभग 10 साल से ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि वो महाराष्ट्र के खास करके हाजियों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत खिदमत करते हैं और हाजियों की हर तकलीफ को दूर करने की कोशिश करते रहते हैं। उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। नसीम खान साहब और अबिद एमएलए इन्होंने सारी बातें अपनी रखी है। इंशाअल्लाह ताला हाजियों का काफिला जा रहे हैं, जिद्दा के लिए हमारे अरिजीत सिंह खान साहब जाने की कोशिश करें। 1090 हाजी जाएंगे नागपुर से
2700 आई। आपको ऊपर जाने की बात भी आपकी रिश्तेदार आप